आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक है हमारा वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अमेज़ॉन का मतलब ही लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्लस पीपीसी है, ठीक है। बाकी चीज़ें भी इंक्लूड है, लेकिन जो बंदे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और पीपीसी सीखते हैं ना, तो उनको काफ़ी आसानी रहती है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे जाएंगे, लेकिन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से पहले मैं लिस्टिंग की डिफिनेशन आपको बता दूं। यहाँ पे मुतवजा हो जाए, छोड़ दे काम शाज को छोड़ दे भाई, बातें करना भी छोड़ दे। अच्छा, लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि लिस्टिंग इज़ अ प्रोडक्ट पेज कंसिस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन। लिस्टिंग कौन सी है? लिस्टिंग किसे कहते हैं? किसी भी, जब आप अमेज़ोन पे जाते हो तो जब वहाँ पे आप देखते हो आपका टाइटल यहाँ पे नज़र आ जाता है, यहाँ पे देखे ये रेटिंग और रिव्यूज़ है और मुख्तलिफ टेक्निकल डेटा आपने दिया होता है, यहाँ पे ये आपके बुलेट पॉइंट्स और जो एज़ वेल एज़ डिस्क्रिप्शन, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? लिस्टिंग। सही, जब इनको लिस्टिंग कहते हैं तो फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? ये अलग अलग चीजें हैं। किसी को आइडिया है? कैसे? देखिए, चलो खैर, एग्जैक्टली देखो, लिस्टिंग तो कोई भी हो सकती है, ठीक है। मतलब किसी बंदे की लिस्टिंग ख़राब होती है, यार ये बंदा डिस्टर्ब कर रहा है, चलो ठीक। किसी बंदे की लिस्टिंग ख़राब होती है, ठीक है। आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि यार मेरा सेल नहीं आ रहा, या आप मेरे अकाउंट के साथ कुछ करें, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी लिस्टिंग चेक करते हैं, ठीक है, कि उसकी लिस्टिंग किस तरह है, कीवर्ड बेसिस बेस पे है या नहीं, उनकी इन्फोग्राफी और ये सारी चीज़ें आप देख लेते हो। मतलब उसके इमेजेस अगर अच्छे ना हो, यहाँ पे उसका टाइटल ही सही ना हो और उसने कीवर्ड सही इस्तेमाल नहीं किए हो, तो फिर आप क्या करते हैं? इसी की लिस्टिंग को उठा के दूसरे दोबारा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हो। मतलब एक बुरी लिस्टिंग को जब आप ऑप्टिमाइज़ करते हो तो उसको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सही, ये तो लिस्टिंग का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी द प्रोसेस व्हेन यू फील दैट योर लिस्टिंग इज़ नॉट एज वेल एज ऑफ कस्टमर डिज़ायर, ठीक है, कि कस्टमर के डिज़ायर के मुताबिक। कस्टमर कौन है? जो आम लोग हैं, जो बायर्स हैं ना, जो आते हैं कोई चीज़ें चीज़ ख़रीदते हैं, कहाँ पे? अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे। जब उसके अकॉर्डिंग नहीं है आपकी लिस्टिंग, ठीक है, और आप उसको री अप्रोप्रिएट करते हैं, ठीक है, द होल लिस्टिंग विद न्यू कीवर्ड्स, इन्फोग्राफिक एंड टेक्निकल डेटा। सही, हम क्या करते हैं? हम पहले तो उसकी लिस्टिंग को चेक करते हैं कि यार ये इनकी लिस्टिंग जो है ना, ये यूज़र फ्रेंडली है या नहीं, और अमेज़ॉन फ्रेंडली है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं। उसके बाद क्या चेक करते हैं? इन्फोग्राफिक वाइज ये कैसा है, ठीक है, और कम्पिटिटिव प्राइस, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। देखो, बायर फ्रेंडली का मैं आपको डिफिनेशन बताऊं कि बायर फ्रेंडली किसे बोलते हैं। जब भी आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ऐसा बनाए कि वो बायर फ्रेंडली हो, ठीक है। बायर फ्रेंडली किसे कहते हैं? देखो, बायर सबसे पहले आके क्या करता है? बायर आके क्या करता है, वो क्या देखता है लिस्टिंग में? वो सबसे पहले लिस्टिंग में आपके इमेजेस टाइटल देखता है, ठीक है। जब आपके इमेजेस और टाइटल ही उनके डिजायर्ड के मुताबिक ना हो, तो इसका मतलब ये बायर फ्रेंडली नहीं है ना।
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी लिस्टिंग को बायर फ्रेंडली बनाना है, यानी उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, उसके इमेजेस हैं, जो टेक्निकल डेटा है, या बायर जो चीज़ें सर्च करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो आप उसके सही करते हैं, तब ये क्या करेगा, सेल लेके आएगा, ठीक है। लेकिन आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन तो कर रहे हो, तो फिर इसके लिए आप मार्केटिंग भी तो करना है ना आपने, तो मार्केटिंग हम किसके थ्रू करते हैं, मार्केटिंग हम अमेजोन के थ्रू कर रहे हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट है, ये बीट्स का कोई वो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सेल आउट तो कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू कर रहा है, अमेजोन के थ्रू कर रहा है, ठीक है। तो बायर फ्रेंडली के साथ साथ आपने क्या करना है, इसको अमेजोन फ्रेंडली भी बनाना है, अपना जो लिस्टिंग आप तैयार कर रहे हो आपने उसको अमेजोन फ्रेंडली भी बनाना है। तो अमेजोन फ्रेंडली कैसे बनाते हैं, कुछ आइडिया है, यहाँ पे देखो आपकी लिस्टिंग में यहाँ पे जान आ जाती है जब आप उसमें से ये चार चीज़ें जो है ना, ये इंश्योर करते हो कि यार ये चारों चीज़ें जो है ना इसमें मौजूद है, मैंने इसके मुताबिक किया है, फिर आपकी लिस्टिंग में जान आ जाती है, ठीक है। तो अमेजोन फ्रेंडली ये है कि देखो अमेजोन के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आपने चलो लिस्टिंग तो बना लिया, लेकिन आपने अमेजोन के क्राइटेरिया के मुताबिक उसको नहीं बनाया भी तो काम नहीं चलेगा, अमेजोन आपको सबसे नीचे रखेगा। अमेजोन फ्रेंडली कौन सी लिस्टिंग होती है, अमेजोन फ्रेंडली लिस्टिंग वो लिस्टिंग होती है जो आपके कीवर्ड्स, आपने अच्छे कीवर्ड्स, रिलेवेंट कीवर्ड्स लगाए, अमेजोन कहते हैं ए प्लस कॉन्टेंट्स लगाओ, आपने उसमें ए प्लस कॉन्टेंट्स की तस्वीरें लगाई हो, यानी अमेजोन कहता है कि यार बैकग्राउंड जो है ना वाइट हो और आपकी तस्वीर जो कलर में हो, ये उसकी मतलब डिज़ायर है। आप जो है ना बुलेट पॉइंट्स कम से कम रखने की कोशिश करें, और टाइटल और ये सॉरी ये डिस्क्रिप्शंस इसको भी छोटा छोटा रखने की कोशिश करें, तो कुछ इनके भी वो होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जब आप उसके मुताबिक उसको बनाओगे तो क्या करेगा अमेजोन, अमेजोन खुद आपको प्रमोट करने की कोशिश करेगा कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक लंबी चौड़ी दास्तान लैला मजनू की आपने जनाब शुरू कर दी, अमेजोन ऐसी चीज़ों को नीचे फेंकता है। और सबसे अहम बात जो है ना वो कीवर्ड्स, आपने स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के कीवर्ड्स टाइटल में लगाने हैं, उससे फिर अलके जो है वो आपने बुलेट पॉइंट्स में लगाने हैं, फिर उससे जो अलके है वो आपने डिस्क्रिप्शन में लगाने हैं। तो ये अमेजोन की विश है, रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपने इसको अमेजोन फ्रेंडली भी बना दिया, सही, बायर फ्रेंडली तो आपने कर दिया उसको, ठीक है, फिर आपने अमेजोन फ्रेंडली भी बना दिया, फिर आप गए इन्फोग्राफिक उस पे, ठीक है। इन्फोग्राफिक में क्या है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो तस्वीरें इमेजेस हैं वो आपने किस किस टाइप के डाले हुए हैं, किस टाइप के डाले हुए हैं, देखो एक तो ए प्लस कॉन्टेंट्स होते हैं, सही, बैकग्राउंड वाइट, तस्वीर आपकी कलरफुल, जैसे आई थिंक इन्होंने भी इस तरह किया है, ठीक है। दूसरा इन्फोग्राफिक में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, एच डी इमेजेस, तस्वीरें आपकी एच डी होने चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या है, आपकी आपका जो तस्वीर है वो तस्वीर के अंदर ही आप उसके इस्तेमाल को बताना बता दो, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तस्वीर में इसने यहाँ पे देखिए सारा डायमेंशंस दिए हुए हैं, ठीक है, तस्वीर के अंदर ही बिल्कुल, ये उसने उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया है। तो आप अपनी मतलब डेली लाइफ में आप कैसे यूज़ करते हो इसको, आम जिंदगी में उसकी तस्वीरें भी लगा दो, जैसे कि यहाँ पे ये बंदा मेरे ख्याल से उसको दिखा रहा है जो डेली लाइफ में मतलब आप इसको यूज़ करते हो, यहाँ पे नेट का इशू है यार, इमेजेस सही नहीं आ रहे, तो
आपने डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हुए दिखाना है, आपने विद इन जो तस्वीरें उसमें उनके डायमेंशंस दिखाने, ये सारी चीज़ें आपने इसमें करके अपलोड करनी है तस्वीरें, तो ये फिर अमेज़ॉन फ्रेंडली में आ जाता है, ठीक है? फिर ये अमेज़ॉन फ्रेंडली बन जाते हैं, अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट ही इसी तरह है, ठीक है? और आखिर में आप ये भी देखें कि यार आप जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं वो कंपिटिटिव है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मतलब बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है वो कोई प्रोडक्ट $10 का बेच रहा है और आप जनाब अमेजोन में बैठ के वो $20-25 का बेच रहे हैं, 100% उससे ज़्यादा बेच रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे, तो अमेजोन क्या करेगा, आपसे बाय बॉक्स भी लेगा और आपको नीचे रखेगा। आइडियल लिस्टिंग का आपने पढ़ लिया, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का भी आपको पता चल गया। सीड कीवर्ड्स, सीड कीवर्ड कौन से हैं कोई बता सकता है? सीड कीवर्ड्स वो कीवर्ड है जिससे हम अपना प्रोडक्ट ढूंढते हैं। मतलब फर्ज करो मैं ये टेंट मार्की वगैरह ढूंढता हूँ तो मुझे पता है यार इसको गजीबो बोलते हैं, ठीक है? ये जहाँ पे भी इसको गजीबो बोलते हैं तो मैं क्या करता हूँ, गजीबो का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। तो गजीबो क्या हो गया, सीट कीवर्ड हो गया। अगर मैं लैपटॉप स्टैंड भेज रहा हूँ तो लैपटॉप स्टैंड जो है ना वो सीट कीवर्ड है। अगर मैं माउस और लैपटॉप से सेल आउट कर रहा हूँ तो सीट कीवर्ड मेरा माउस फॉर लैपटॉप है। सही, यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं? ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब जब आपकी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट की हम लिस्टिंग कर रहे हैं हम सबसे पहले उसके कीवर्ड्स निकालेंगे, ठीक है? कीवर्ड्स के बाद वो प्रोडक्ट और आगे जो प्रोसीजर होगा मैं समझाऊंगा, ये 2 लेक्चर्स में होगा। सही, एक तो आज का लेक्चर है और एक जो इंशाल्लाह फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को है ना आप लोगों, संडे को, ठीक, संडे को इंशाल्लाह फाइनल इसका लेक्चर होगा। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, जो प्रोडक्ट आज जो मैं मतलब आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, मैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर किसी एक प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, संडे वाले दिन जो आपकी क्लास होगी उसमें हम बनाएंगे, वो हमारा सारा दिन उसी पे लगेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया जनरेट करके दे रहा हूँ कि करना किस तरह है। सही, हम लोगों ने मैग्नेट को पहले भी पढ़ा था। मैग्नेट के लिए हम लोग एक टेबल बनाते थे कि जिसमें सीरियल नंबर, कीवर्ड और सर्च वॉल्यूम ये होता था, सेम हम वही चीज़ उठाएंगे, ठीक है?